बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू तबस्सुम्स किचन। आज हम बना रहे हैं दही स्नैक्स। इसके लिए हमें चाहिए, ये हाफ कप हमने लिया हुआ है दही, इसको फेंट लिया है। हमारे पास एक आधा है, बल्कि ये प्याज है, हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ये हमारे पास मैदा है, जो तकरीबन 3 से 4 चम्मच होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है पकौड़ा मिक्स मसाला, और साथ में ये हमने लिया हुआ है खुश्क धनिया पिसा हुआ, सुर्ख मिर्च, नमक, और ये एक पिंच गरम मसाला। साथ में ये हमारे पास है एक अदद हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया है कटी हुई। ठीक है, तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये हम इसमें चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें प्याज ऐड कर लिया, इसके बाद हरा मिर्च, फिर ये हरा धनिया, और साथ में जो हमने मैदा लिया था ये मैदा, ठीक है, थोड़ा सा भी मैंने वापस बचा लिया है, और ये जो तमाम थे हमारे पास मसाला जात, ये सारे मैं डाल देती हूँ। आप इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं डाल देते हैं। ये देखिए, और फिर इनको फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। धीरे से इसकी साइड चेंज करेंगे हम। ये देखिए, आई होप आप इफ्तारी में ये ट्राई करेंगे और ज़रूर आपको ये पसंद आएगी। रेसिपी बहुत इजी है। ये हमारे दही स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, तो हमने इनको बाहर निकाल लिया है। इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारे इफ्तारी के लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में भी ज़रूर आप बताया करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।